हाय गाइस, मैं राहुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड बहुत दिनों के बाद मैं यार मोटो व्लॉग बना रहा हूँ आपके लिए। और अभी थोड़ा बिजी था, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पे वीडियोस आ रही थी एक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, जो कि थी आमिर माजिद और UK07 राइडर के बीच में। तो यार कंट्रोवर्सी थी दोनों मोटो व्लॉगर के बीच में। तो एज ए मोटो व्लॉगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताना कि यार क्या चल रहा है उस कंट्रोवर्सी में। तो यार देखो, पहले UK07 राइडर गलत था, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। एंड फिर बाद में जैसे जैसे सच सामने आया, एक सेकंड, ये ट्रैफिक इतना सारा क्यों लग रहा है यार भाई, इतना लंबा जाम यार, फर्स्ट टाइम इतना लंबा जाम मिला है मेरे को रोड पे। तो ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ रही है सच मेरे को, और गाड़ियाँ तो ऐसी लगी जैसे पार्किंग अपने शोरूम का लॉट देखा है, ऐसी खड़ी रहती गाड़ी लाइन से वैसी लाइन से गाड़ियाँ मतलब रुकी पड़ी है ट्रैफिक के अंदर। और यार मगर समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, ये ट्रैफिक लगा किस वजह से है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैफिक जल्दी गुड़गांव में रखता नहीं है, और ट्रैफिक लगा हुआ तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो सारे बाइकर्स रुके हैं साइड में अपने कोने में, क्योंकि पूरी रोड गाड़ी वालों ने झेंक रखी है, घेर रखी है, तो अपन को रुकना ही पड़ेगा साइड में। अब धीरे धीरे ट्रैफिक चला है रेंग रेंग के एक दूसरे में घुस करके, तो अपन ने भी बाइक चलानी स्टार्ट कर दी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि भाई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, तो एट द एंड जब रियलिटी सामने आई तो पता चला आमिर माजिद सही है, UK07 राइडर गलत है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे कभी किसी ब्लॉग में। तो अभी तो यार ट्रैफिक से निकलना है मेरे को जैसे भी करके। ओह शिट, कोई हरी परी दिख रही है आपको, हरी परी हरियाली दिख रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी, सालो हरामियों घूर घूर के मत देखना, मुझे पता तुम्हारा ध्यान वहीं जाएगा। बट मैंने जैसे ऐसी बोला है, मजाक कर रहा हूँ, जिस स्पीडिंग ठीक है। तो ट्रैफिक से निकलना यार, ट्रैफिक से कैसे निकले भाई, कोई आइडिया लग दिख नहीं रहा, कहाँ लूँ स्कॉर्पियो के पीछे नहीं जा सकता। अंकल जी स्कूटी खिसका लो थोड़ी सी, ना बेटा मैं ना खिसका रहा, निकल यहाँ से। अब कहने वाले अंकल जी निकल जा बो सड़ी के। तो अभी देखो सामने बस खड़ी दिख रही है, आई थिंक बस की वजह से ही जाम लगा है। भाई क्या कर रहा है गाड़ी वाला, अरे अंकल निकलने दे, नहीं निकलने देगा भाई, निकलने ही नहीं देगा हमें पता है ना। ये देखो देखो देखो, ये अपनी औकात दिखा देते हैं, डब्बा ले लेके चलेंगे रोड पे, औकात दिखाएंगे अपनी कि भाई तुम बाइक पे हो हम गाड़ी में हैं। चलो कोई नहीं, मगर ये बस क्यों खड़ी है, बस का समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, अर्टिगा दिख रही है मुझे आगे, कुछ हुआ है क्या, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है भाई। ओ शेट शेट मैन, ओ माई गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे अर्टिगा पे बस चढ़ गई है, और सोचो अर्टिगा की हालत कैसी होगी। तो बेसिकली मैं कहता हूँ अपने हिसाब के बंदों को चढ़वाया करो, अबे साले अपने ऊपर ज़्यादा बड़े चढ़वाया करो, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो आपको वही दिक्कत है। ठीक है, मेरी पूरी डिक्की घुसी पड़ी है अंदर। तो एक सेकंड देखते हैं आगे और चल के क्या सीन है, ये लोग तो खड़े हैं साइड में, बट कोई नहीं देखते हैं। एंड ये देखो यहाँ कूलेंट और कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो एक सेकंड ये क्या है, ओ माय गुडनेस भाई साहब, 5 रेटेड कार बलेनो ग्लोबल NCAP में इसको 5 रेटेड मिले, और यहाँ डेंट खा के खड़ी है बिल्कुल। उत्तरी है आगे होंडा सिटी भी है, ओल्ड वर्जन, ओल्ड जनरेशन वाली जो थी, कभी बम्पर उतरा हुआ है, डिक्की डेंट है भाई, कैसा एक्सीडेंट हुआ है। आई थिंक ये अच्छा बलेनो ने मारा है इसको आगे से, देखो बलेनो का आगे का बम्पर भी उठा हुआ है, खुला पड़ा है। एक मिनट, ये भाई इंडिया बेस्ट सेलिंग कार मारुति सुजुकी अल्टो, ये भी इनके चपेट में आ गई क्या, ये तो ऐसा लग रहा है गेहूं के साथ घुन पिस गया भाई, ये तो आधी वर्ग की है इसका। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है यार देखने में, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है भाई साहब। चलो कोई नहीं, एक सेकंड, तो बाहुबली अल्टो बच गई है पूरे एक्सीडेंट में, मतलब इतने बड़े एक्सीडेंट में सिर्फ बाहुबली अल्टो ही बची है जिनकी कंडीशन थोड़ी बेटर है। और फिर दिखती है ये ऊंची दिखने वाली एक डब्बा गाड़ी जो कि एक 5 भाई साबुन की टिकिया है देखने में पूरा लुक, तो इसकी भी डिक्की डेंट हो गई है भाई, तगड़ा नुकसान हुआ है, मतलब अच्छा तगड़ा एक्सीडेंट आज रोड पर हो गया है। और फर्स्ट मतलब मैं फर्स्ट डे मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ इन वीडियोज़ के बाद, और देख रहे भाई भगवान ने क्या दिखा दिया, भगवान थोड़ी अच्छी खबरें दिखाओ, ये क्या बुरी खबरें दिखाते हो आप हमें रोड पे, हरियाली थोड़ी सी दिखाई, क्या दिखाई आपने, कुछ नहीं दिखाई भाई। ये भी लाइन से एक्सीडेंट हुए पूरे तगड़े वाले फूटे, अंकल जी शिक्षित, अंकल जी क्या हो गया, इनके पैसे लेके भाग गया क्या, मैं सॉरी मैडम आप क्यों देख रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है मुझे ऐसे घेर लिया इन्होंने ट्रैफिक में, कैमरा लगा रखा ना मैंने हेलमेट में,
भैया डर सा लग रहा है, कहीं जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। मैं कहती सी लग रही है भाई, देखो सब मुझे देख रहे हैं भाई साहब, गलत सीन है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अजीब फील कर रहा हूँ। बट चलो कोई नहीं, एक्सीडेंट यार सही नहीं हुआ, ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे ही अब मोटो व्लॉगिंग्स मिलाता रहूँगा बीच बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।